हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये देखिए, ये है पुदीना। ये मैंने घर पे ग्रो किया है छोटे से गमले में, और आप भी इसको अपने घर पे आसानी से उगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में भी। हेल्दी है, पौष्टिक है। ये देखिए, बीच बीच में भी मैंने कुछ धनिए के बीज भी डाल दिए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और आज हम पुदीने से बनाने वाले हैं एक नई डिश, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने तोड़ लिए हैं कुछ ताज़े पुदीने के पत्ते और उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इनको करेंगे हम कट, इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की, और ताज़ा पुदीना तो काफ़ी अच्छी खुशबू देता है। इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे हम। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो ये लीजिए, कट हो गया है पुदीना। और मैंने लिया है 2 कटोरी आटा, गेहूं का आटा है नॉर्मल। और इसमें डाल देंगे हम ये पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं थोड़ा क्रंचीपन लाने के लिए। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की सहायता से इस तरह से, ताकि मसाले काफ़ी अच्छे से मिल जाएँ आटे में। पहले इस तरह से मिक्स करते हुए जाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐड करके अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे हम। पानी इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर डो तैयार करें। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से डो तैयार हो गया है सॉफ्ट। इसको रख देंगे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट के बाद अब इसमें से लेंगे हम थोड़ा सा आटा, और इस तरह से एक पेड़े का आकार देंगे गोल गोल। अब इस पेड़े को हम लगाएंगे सूखा आटा थोड़ा सा, और इस तरह से रख कर अच्छे से बेलन की सहायता से हम इस तरह से गोल गोल शेप देंगे उसको। आप चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे, और इस तरह से बेल कर अच्छे से एक रोटी का कर देंगे हम उसको गोल गोल। अब गैस पर रख दिया है मैंने 1 तवा गर्म होने के लिए, जो काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। और इस पर डाल देंगे हम ये रोटी को, और थोड़ी देर में गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और थोड़ी देर में पलट कर दोनों साइड से। अब इसमें लगाएंगे हम घी, या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और घी या ऑयल लगा के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में अच्छे से पक जाता है एक तरफ से। दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से, जब तक इसमें ब्राउन कलर के दाने ना आ जाएँ। देखिए, काफ़ी अच्छे से ब्राउन दाने आने लगे हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे से सीख रहा है। लीजिए, तैयार है। मैं एक निकाल के बताती हूँ आपको। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। घी लगाएं या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह से घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से और अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। इस तरह सेक लेंगे हम दोनों पराठे। तो लीजिए, अब निकाल लेंगे हम इनको। ये रेडी हो चुका है, निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आया है, और पुदीने के पत्ते भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये तैयार है पुदीने का पराठा। काफ़ी टेस्टी लगता है और काफ़ी पौष्टिक है। आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। चाय के साथ खाएं, या फिर अगर आप चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो चटनी के साथ भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं चाय के साथ प्रेफर कर रही हूँ। काफ़ी टेस्टी है और यम्मी है। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।